हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन बाय एचयूएस रूम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ 10th वालों के लिए। ऐसा क्वेश्चन 2019 बोर्ड में आया था, थोड़ा सा चेंज था, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है पहले वो मैं बता दूँ, मैंने पहले से डायग्राम बना के रखा है। क्वेश्चन दिया है कि क्वाड्रिलेटरल एक्स एल एम टी इज अ रेक्टेंगल, इज अ व्हाट? रेक्टेंगल। ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इतना समझा? हाँ सर समझा। अब बोला क्या है कि एल एम इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर एंड एक्स एल इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या बोला है कि डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सेमी सर्कल, जो छोटा सेमी सर्कल है उसका जो डायमीटर है इज हाफ ऑफ, आधा है, हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ द लार्जर सेमी सर्कल। जो छोटा वाला सर्कल है इसका जो डायमीटर है ये बड़े वाले का आधा है, इसलिए मैं यहां पे लिखा रहा हूं डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल बाय 2, हाफ है उसका, ठीक है। तो बोला है देन फाइंड द एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन, मतलब ये जो खाली एरिया ना, शेडेड रीजन नहीं, ये कितना एरिया है, ये एरिया, एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। शेडेड रीजन नहीं, नॉन शेडेड रीजन। तो मैं क्या करूंगा, मैं शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करूंगा, इसका एरिया फाइंड आउट कर लूंगा, इसका और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लूंगा। रेक्टेंगल में से इन दोनों का एरिया, रेक्टेंगल के एरिया में से इन दोनों का एरिया माइनस कर दूंगा तो नॉन शेडेड एरिया मिल जाएगा। समझा बेटा, समझ रहे हो? रेक्टेंगल का एरिया मैं फाइंड आउट करूंगा, इन दोनों शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करूंगा, ये दोनों को ऐड करके पूरे में से माइनस कर दूंगा तो ये वाले पार्ट का आपको क्या मिल जाएगा, एरिया, ठीक है। चलो तो पहले हम लोग करते हैं, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं, 3 नंबर का आएगा। हमने माना कि जो स्मॉलर सर्कल है ना उसका रेडियस मैंने माना कि स्मॉल आर है। लेट रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल बी आर सेंटीमीटर, आर सेंटीमीटर मैंने ले लिया, ठीक है। तो डायमीटर क्या होगा, देयरफॉर डायमीटर इक्वल्स टू 2R, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, समझा? समझ रहे हैं? अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो बिगर सर्कल का है रेडियस उसका कैपिटल आर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, कैपिटल आर। लेट रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल सेमी सर्कल, मैं यहां सर्कल लिख दिया हूं, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल बी कैपिटल आर सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू 2 कैपिटल आर सेंटीमीटर। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन दिया है, जो स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है वो बिगर सर्कल का क्या है, हाफ है, मतलब बिगर सर्कल का डायमीटर स्मॉलर वाले का क्या है, डबल। इधर देखो, एज पर द कंडीशन, सिंस डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, इसको D1 दे दिया, इसको D2, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज हाफ ऑफ, आधा है, हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, D2 का हाफ है। अब D1 कितना है, 2R, ये कितना है, 2 कैपिटल 2R, क्या है, कैपिटल 2R, ठीक है। तो इसका मतलब यहां देखो, ये जो होगा इसका क्या होगा, 4 टाइम हो जाएगा। इधर देखो, अगर मैं इसको यहां ऐसे लिख रहा हूं, ये यहां डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो जो बिगर सर्कल है वो स्मॉलर सेमी सर्कल के डायमीटर क्या है, 2 गुना है ना, ये हाफ है, इधर 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 2 D1 हो जाएगा। और D1 की वैल्यू क्या है, क्या है D1 की वैल्यू, 2 स्मॉल r, 2 स्मॉल r है, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 स्मॉल r। तो जो D2 है, मतलब ये जो 4R है, ये क्या है, क्या है, ये देखो, ये जो कैपिटल 2R है ना, किसके इक्वल है, 4 स्मॉल r के इक्वल है, समझा? क्योंकि क्या है, स्मॉलर वाले सेमी सर्कल का जो डायमीटर है बिगर वाले क्या है, आधा है, तो बिगर ये इसका आधा, तो इसका डबल है तभी तो ये आधा है, ठीक है। अब देखो बेटा,
ये स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है या स्मॉलर सेमी सर्कल का, ये बिगर का, पूरा मिला के कितना हो जाएगा? इतना ही होगा ना। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि LM क्या है, बोलो, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सेमी सर्कल, स्मॉलर सेमी सर्कल का डायमीटर है प्लस बिगर सेमी सर्कल का डायमीटर है। स्मॉलर वाले को मैं D1 लिखा हूं और बिगर वाले क्या लिखा हूं, D2। पूरा मिला के LM हो गया ना। LM कितना है बेटा? 21। ये कितना है? D1 कितना है? 2R। कितना है? 2R। और D2 कितना है? 4R। समझा इतना? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 2R और 4R कितना हो जाएगा? 6R equals to 21। 21 equals to 6R लिखो या 6R equals to 21, बात बराबर। मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, 21 डिवाइड बाई 6। तो मेरे प्यारे बच्चों रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगा? 6, 3 जा 18, बचा कितना? 3, डेसिमल ले लेंगे, ठीक है, 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30, 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, स्मॉलर सेमी सर्कल क्या हो गया? रेडियस। समझा? तो इसका मतलब सर इधर देखिए, स्मॉलर सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो गया? कितना हो गया? 3.5। समझा? तो बिगर वाले का क्या हो जाएगा? देख लो, बिगर वाले का डायमीटर कितना हो गया? 4R। ये रफ हो गया गलती से, चल। तो बिगर, अब देखो स्मॉलर का निकल गया लेकिन बिगर वाले का निकालो। यहाँ पे बिगर वाला क्या है ये देख लो, डायमीटर का मतलब क्या, इधर को 2 कैपिटल R ना, और D2 किसके इक्वल है? 4R के। किसके इक्वल है? 4R के ना, सब मिला के उसका डबल होगा, ठीक है। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, सीधी बात है, इसका डबल होने वाला है। तो 4R बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 जा 4, 2 बचा 2R। अब सबको पता है 3.5 का डबल क्या होता है? 7। क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। तो बड़े सर्कल, जो बिगर वाला है सेमी सर्कल है, उसका रेडियस क्या हो गया? 7.5। अब देखो, अब हमने क्या करने वाले पता है? स्मॉलर सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करूंगा और बिगर सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो सबको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और सेमी सर्कल है मतलब उसका आधा कर देना है। क्या कर देना है? आधा, 1/2। तो यहां क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/2 22/7, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? 3.5। तो स्क्वायर है, दो बार लिख दिया, इतना समझा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो, कुछ 11 आ गया, ठीक है, 7.5 जा, और 1.5 0.5 आ गया, क्या आ गया? 0.5 इंटू 3.5। समझा? ये बात बराबर है। चलो मेरे प्यारे बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5 जा 25 कैरी 2, 5 जा 15 और 2 17, 2 पॉइंट पे डेसिमल, 1.1.2 पॉइंट। समझा? अब देखो 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 7 जा 77 और 5 82 कैरी 8, 11 जा 11 और 8 कितना हो जाएगा? 19.25। और एरिया है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही हमको ये फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। बस यहाँ क्या आ जाएगा? कैपिटल R, क्योंकि हम लोग बिगर सर्कल सेमी सर्कल की कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ लार्जर लिखो, तो लार्जर लिखो, लार्जर सेमी सर्कल। तो 1/2 सेमी सर्कल, इसलिए मैं 1/2 कर रहा हूँ। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो उसका आधा कर देना, मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस मैं कैपिटल R लिया हूँ, तो इसका रेडियस क्या है बेटा? 1/2 पाई की वैल्यू 22/7,
आपको यहाँ बताया था कि देखो इसका डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल होगा, सीधी बात है, इतना कॉमन सेंस है हर बच्चों को पता है, ठीक है। 3.5 का डबल क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ क्या आएगा 7 स्क्वायर है तो मैं 2 टाइम लिख दूंगा, एक बार कुचुम कुचुम हो गया, ये बात समझ रहा है? हाँ सर समझ रहा है, ये कुचुम कुचुम हो गया, 11 आ गया, कितना आ जाएगा 77 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये समझा इतना। अब क्या करना है सर, हलवा है अभी, अब क्या करना है मुझे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, उसमें से इन दोनों को माइनस कर देना है, मतलब इनको ऐड करके पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस कर दो तो एरिया ऑफ नॉन साइडेड रीजन आ जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया यहां दिख रहा है बेटा, चलो तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल क्या है, एक्स एल एम टी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, मतलब एल एम इंटू एक्स एल, तो क्या है बेटा ये 21 × 10.5 110 कैरी 11, 21 जीरो जा 0 और 11 1 आएगा कैरी 1, 21 1 जा 21 और 1 22 1 पॉइंट पे डेसिमल, मतलब बेटा क्या आ गया 221.0। फिर से देख लो 21 5 जा 110 0 आया कैरी 11, 21 0 या 0 और 11 0 प्लस 11 11 1 लिखा कैरी 1 हो गया, 21 1 जा 21 और 2 1 हो जाए 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 1 पॉइंट पे डेसिमल, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो मैं 0 हटा दे रहा हूँ, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या चाहिए पता है, एरिया ऑफ नॉन साइडेड रीजन, एरिया ऑफ नॉन साइडेड रीजन, देखो क्या चाहिए एरिया ऑफ नॉन साइडेड रीजन, तो मैं यहां निकाल दे रहा हूं एरिया ऑफ नॉन साइडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ नॉन साइडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहां लिख दे रहा हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, स्मॉलर सेमी सर्कल कितना है, देखो पहले रेक्टेंगल का एरिया कितना है 221 माइनस स्मॉलर सेमी सर्कल कितना है 19.25, बिगर सेमी सर्कल कितना है 77, माइनस करेंगे। अब पहले इसको ऐड कर लो, देखो इधर देख लो तो ना इधर को 77 को इसमें ऐड करना है 19.25, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ डेसिमल के बाद यहाँ डेसिमल नहीं लगा के 0 कर देंगे तो 5 2 16 कैरी 1 7 8 1 9 96.25, तो 221 minus 96.25, अब 96.25 को 221 में से माइनस करना है 96.25। अब देखो ये बोरो देगा इधर 10 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1, हाँ ये इसको ये बोरो दिया ना, चलो इधर क्या हो जाएगा 5 7, ये 0 हो गया ना, अब ये बोरो लेगा 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 4 अब ये क्या हो गया बेटा 1 है, तो बोरो 11 minus 9 क्या जाएगा 2 बचा कितना 1 124.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। थोड़ा सा बड़ा था मेरा बोर्ड, थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, लेकिन आई होप आपको ये समझा रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।